हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, भारतीय संस्कृति में कई ऐसे चमत्कारी औषधीय पौधे के बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है, जिनका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। एक ऐसा ही जड़ी बूटी है जिसको खाने से व्यक्ति जब तक उसका असर रहता है तब तक की गायब रहता है। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जड़ी बूटी की सेवन करने का विधि बताऊंगा, जिसके सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। और कुछ ऐसे पौधे आज भी होते हैं जिनके बल पर सोना बनाया जा सकता है, जो कि वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस तरह के कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिससे धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को जो पौधा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, यह स्वर्ण निर्माण में आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पौधे से स्वर्ण बनते हैं। इस पौधे का नाम है तेलियाकंद। आइए आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। तो तेलियाकंद क्या होता है? इस पौधे की जड़ों से तेल का रिसाव होता है, इसलिए इसे तेलियाकंद कहा जाता है। माना जाता है कि यह पौधा सोने के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी विशेष निर्माण की विधि से पारे को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पारद विज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। तेलियाकंद से किस प्रकार से पारे को सोना बनाया जा सकता है, मैं एक वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और इस तेलियाकंद के मदद से आप भी स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। तो इसके पहचान कैसे करें कि वास्तव में यह तेलियाकंद है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तेलियाकंद मिल जाते हैं। वैसे तो हो सके तो आप जंगल में जाकर के ओरिजिनल तेलियाकंद ही खन करके लाएं, तब जाकर के प्रभावी होंगे। तो इस पौधे की पहचान इस प्रकार से है, इसके कंद को सुई में चुभो देने से तत्काल ही वह गल करके गिर जाता है, इतना ज्यादा चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसका कंद शलजम की तरह दिखाई देता है और यह पौधा सर्पगंधा से मिलते जुलते पत्ते जैसा, इसका जो पत्ते होते हैं ना, वह दिखाई देता है। कहा जाता है कि तेलियाकंद का पौधा 12 वर्ष उपरांत ही अपने गुण को दिखाता है। अगर इसके छोटे पौधे लाते हैं जो कि ज्यादा दिन 2 से 3 साल हुए हैं, तो उसका प्रयोग करके आप जो सोने नहीं बना सकते, 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। और ये आप कब मिलेंगे तेलियाकंद? अगर ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, थोड़ा सा जंगली जगह में, तो आदिवासी लोग इसका पहचान करा देंगे, तो वे हर वर्षा काल में इसका पौधा जमीन में फूटता है। बहुत आसानी से आप देखने को इसका मिल जाएंगे। और आप जो है इससे बहुत सारे ढेरों सारे आयुर्वेदिक फायदा भी ले सकते हैं, जैसे कि सांप काटने पर तेलियाकंद को खिला देने से सांप के जहर तुरंत उतर जाते हैं। तेलियाकंद जो होते हैं दोस्तों, अगर छोटे से इसके टुकड़े बना करके बवासीर के पेशेंट को खिला दिया जाए 15 दिनों तक, तो कैसा भी पुराने बवासीर की बीमारी हो, जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं, बवासीर के नामो निशान मिटा देते हैं। तेलियाकंद की एक और पहचान बता देता हूँ। तेलियाकंद के ऊपर में काफी विषधर सांप होता है, जिसके काटने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। सावधान होकर के खने। तेलियाकंद से बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदा भी होते हैं। इससे अदृश्य होने का शक्ति भी इसमें समाहित होता है, हमने कई वीडियो में बोले हैं। केवल मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूं, प्रयोग करके नहीं दिखाता, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। और कभी भी भूल करके इस प्रकार की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि जानकारी जो होती है ना, कम से कम हमें नॉलेज तो हो, इस प्रकार की जानकारी जरूर रखें। और स्वर्ण निर्माण किस प्रकार से होता है तेलियाकंद के, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके जा करके वीडियो देख सकते हैं। हमने ही अपने एक चैनल में यह जानकारी बताई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।